आका के वफादार है उलमाए देवबंद, इस्लाम के गमखार है उलमाए देवबंद, आका के वफादार। हेलो हाँ दुपलान जाओ जी, अभी हम जो है बाजार में हैं, मार्केट आए। नहीं 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 दूध नहीं, ज्यादा मैं दूध नहीं पाता हूँ ना जी। वो आपने बोला था ना अतुल्ला वतुल्ला तुल इजमा और दयाश, कुरान शरीफ में ता है, मैं पूरा तुम माला मुझे मिला नहीं। हाँ हाँ बा हाफिज है क्या? नहीं हाफिज होता तो मुझे याद होता ना, तो पूरे कुरान एक दिन में पढ़ डाले ढूंढ डाले आपने? नहीं हाफिज तीन चार हाफिज जो फिर सीखता मैंने। नहीं तो अभी आपने कहा था कि आपने जो ढूंढा है। हाँ तो हाफिज से ढूंढा है ना। हाँ तो ये आप ये कहते हैं कि हमने किसी का हाफिज से कहा है, आप ही कह रहे थे हमने करा है। हाँ तो हाफिज ने बोला थी भाई उनसे पूछ लीजिए, हम मैंने पढ़ा नहीं हो तो मैं भी पढ़ लूंगा। चलिए ठीक है, अभी हम मार्केट में हैं, फिर ये होते हैं फिर हम आपको बताते हैं। ठीक वही अब्दुल अजीज तालिब अब्दुल लाइन पे लो दे इसको अब्दुल अब्दुल क्या नाम है उसका? नहीं 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 हम जो है हम आपको बता देंगे, लेकिन देखिए हम ऐसे तो पढ़ के आपको बता देंगे, मगर आप हवाले पूछेंगे फिर हमें देखना पड़ेगा, हम हवाले के साथ आपको बताएंगे। ठीक है हवाले से क्या अब देंगे वो तो बता दे। टाइम क्या चीज? टाइम टाइम हाँ टाइम या देखिए इशा हो सकती है या फिर जो है कल हम आपको बताएंगे, फिर हो गया। आज जो है बहुत ज्यादा बसे हुए हैं, मतलब आज आपके पास कुरान शरीफ कितने का टाइम ही नहीं है। नहीं बिल्कुल है नमाज पढ़ने का, लेकिन अभी मार्केट में ना तो कोई भरोसा नहीं है कि हम कब फ्री हो जाएंगे, या तो फिर रात में 12 बजे हम कर दें आपको कॉल करके बता दें। नहीं 12 बजे तो मैं सोता हूँ, सुबह जल्दी नमाज में उठना रहता है, इसीलिए तो कह रहे कल हम जो बताएंगे हम, और क्या कह रहे। मतलब आपने हवाला दिया तो आपको हवाला याद नहीं था? नहीं तो हम हाफिज हैं, हम पढ़े हुए हैं, हवाला जो है देखना अच्छा, पड़ेगा। आप हाफिज हैं जी? अच्छा हाफिज है तो आपको याद होना चाहिए। हवाला हवाला आयत नंबर कौन सा होगा ये थोड़ी ना याद करें। अच्छा कौन से पारे में वो तो बता दो। हाँ सब हम बता देंगे, हम सब समाज बता देंगे। अभी जो है बात को बड़ा ना कीजिए, हम थोड़ा फंसे हुए हैं, अभी बात बढ़ेगी, अभी हम रख रहे हैं। ठीक है हेलो अपन जा व्यक्ति हेलो किसको लाइन पे लिया? हाँ हमारे तुलान तुलान से जानदार है, उनको लाइन पे लिया, वो तुझ नहीं बोलेंगे आप हवाला दे दिए, वो हवाला दे देंगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम नहीं मानते? बात में पहले आयत पढ़ो। नहीं क्या तुम जो है नहीं मानते हो कि जो है कुरान से जो है इजमा और कयास साबित है? नहीं कुरान में कहीं नहीं लिखा है इजमा कयास। इजमा और कयास कुरान में कहीं नहीं लिखा है? नहीं बताइए कुरान। अच्छा ये हदीस में है इजमा और कयास, कुरान में नहीं है? कुरान और उसमें कुरान में नहीं है? नहीं बताओ ना आयत तो बताओ। अच्छा तो जो जिनको लाइन पे लिया वो हाफिज है? अरे आयत बताओ। अगर बता दिया तो अहमद रजा खान काफिर हो जाएगा फिर? अरे ये जब फालतू वाली चीजें मत बोला ना रो। अब तो मैंने दौरान पूछा है तो अल्लाह ताला इल्तिजाज फरमाता है, अगर तुम्हारे पास इल्म है तो तुम दौलत पहुँचाओ। कौन सी आयत है? इल्म वालों से पूछो कौन सी आयत है। अब मैं हाफिज तो नहीं हूँ इंशाल्लाह, ये भी हवाला दे दूँ ना मैं। तो तर्जुमा बताते हो, मतलब कुरान नहीं मालूम है कौन सी आयत है? नहीं यार जरूरी नहीं है ना जी, आयत ध्यान में रहे, मतलब ये है जी अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो इल्म वालों से पूछो। अच्छा हाँ तो जल्दी से आप बता दीजिए कि कुरान तो नोट करो इजमा दयात नोट करो सब, तुम्हें तो कुरान क्या नाम है कुरान हदीस तो तुम्हें जो है इसका हवाला तो कुरान से ही मिलेगा ना? हाँ बस तुम्हें खाली इजमा और कयास का चाहिए ना? हाँ नहीं आपने कहा चार उसूल है। हाँ चारों उसूल क्या कुरान से नहीं मिलते हैं क्या आपको? आप चारों उसूल का इनकार कर रहे कुरान से क्या? अरे तो बताओ ना दाल देता है भाई, तो कुरान और हदीस का भी जो है तुम्हें इनकार कर रहे हो कुरान में नहीं है क्या? बताओ यार। अबे यार सबसे पहले देखो, सबसे पहले देखो सुनो तो बता रहे सुन तो लीजिए अरे बता रहे ना सुनो
आप ही जा कुंड लो, आपने दादा जी दुरान में ले जाए जी, दुरान अधीज इसमें दया तो मानो तो ये आए ता ले जाए। हाँ तो वही तो बता रहे मेरा भाई। हाँ बता या युहल लजीना आमनु अति उल्लाह। हाँ आई मान वालो अल्लाह की तात करो। हाँ ठीक वो अति और रसूल। हाँ रसूल की तात करो। हाँ अल्लाह की तात कुरान, रसूल की दात हदीस। ठीक ये दो हो गए। हाँ तीसरा है इजमा। क्या है इजमा? सूरह निसा आयत नंबर 115। हाँ ठीक। हाँ बताओ। और कयास आयत पढ़ो, आयत पढ़ो, आयत भी पढ़नी पड़ेगी। हाँ आयत पढ़ो ना यार। अच्छा एक मिनट। वमई युशा फिकर रसूल। आप ही जो ना। हाँ तो आप ही जैसे पढ़ते हैं जैसे आप तिलत चल रहे हो। ये तो हम आपको समझाने के लिए पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं अरे आप पढ़िए ना। अच्छा सुनो। वमई युशाकिकिर रसूल मिन बाद मा तबयन लहुल हुदा वयत्तबिع गैर सबीलिल मुमिनीन وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا। ये وَيَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ है। इस आयत को देखो। तफसीर इब्ने अब्बास। हाँ तफसीर इब्ने अब्बास। आपके यहाँ तो तफसीर इब्ने अब्बास मानी नहीं जाती है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है भाई? हाँ कौन कह रहा है? आप दे आता भी लो ने दा। कहाँ भेजो? हवाला भेजो। सुन दो लो वो हवाला भेज दूँ ना। हाँ हवाला भेजो। हाँ तफसील में डाल देता है। हाँ तो अब हमने आयत बता दिया है तो पढ़ो जाके। तो तफसील बताओ ना डाल देता है। और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करे। ठीक है ये तो ऊपर की हो गई आयत। वमन युशाक्किर रसूल मिन बाद मा तबयन लहुल हुदा। ये तो अलग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो गई। अब आया इजमा की बात। ठीक है वयत्तबिउ गैर सबीलिल मुमिनीन। और देखो इसका तर्जुमा क्या है। और मोमिनों के रास्ते के सिवा और रास्ते पर चलो। ठीक मोमिनों का रास्ता कौन है? जैसे उमर रजी अल्लाह ताला ने 20 रकात तरावी पढ़ा, इस पर सारी उम्मत का इजमा हुआ। अरे हाँ मिसाल नहीं, कुरान से दे रहे हो। ए हदीस से बता रहे हैं। अरे सुन लो। हाँ अभी दादी मोमिनों के रास्ते पे चलो। हाँ तो ये तो अल्लाह ताला सूरह फातिहा में भी कह रहा है। तो ये तो इससे इससे पूरी बात सुनोगे? सुन लो। अरे सुन लो, सुन लो पूरी बात मेरी तो सुनो पहले। अरे अम्मा समझते आप जाते हैं। अरे यार पूरा पूरा अधूरा सुन के पात्रुल्लाह तक रब सला खाली सुनोगे क्या? अच्छा बताओ बताओ बताओ। हाँ और मोमिनों के रास्ते के सिवा और रास्ते पर चले तो जिधर वो चलता है हम उसे उधर ही चलने देंगे। यानी कि जो है मोमिनों के अलावा जो कोई और रास्ता इख्तियार करेगा तो अल्लाह पाक भी कह रहे हैं कि हम उसको उसी रास्ते पर छोड़ देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मोमिनों के रास्ते पर चलना चाहिए। मोमिनों का रास्ता क्या हुआ है? जहाँ पर सारे मोमिन इकट्ठा हो गए हों जिस मसले पर, उसको इजमा बोलते हैं। तो ये वही तो एक मिनट इसी तफसील में इन मुअज्जिन ने अपनी तफसील में लिखा दीजिए मुलाद इजमा चला। मुझे उन मुअज्जिन का नाम बता दो। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने जब जो है इसमें तफसील पूछा मैं क्या आप तो बताए मुहद्दिसीन दोनों से है। तो क्या इमाम शाफई मुहद्दिस नहीं है? मुफस्सिरीन पूछ रहा हूँ तफसील करने वाले। तो तभी इससे पहले और तुमको क्या बताया तफसील इब्ने अब्बास? तो इमाम अब्बास तफसील अब्बास में लिखा दी है ये है जो मुराद है ये इजमा अल्लाह। अब तो भैया तुम क्या समझ रहे हो फिर भैया इसको? अरे हम कहा जमते हैं हम अपने दिमाग से दौरान नहीं जमते हैं। हाँ तो ये तफसीर इब्ने अब्बास है। सुन दो लो लल्ला। हाँ लल्ला फकीर। हाँ हम अपने दिमाग से दौरान तो नहीं जमते हैं। तो हम कब कह रहे हो तुम अपने दिमाग से समझो? तुम अपने दिमाग समझोगे कहाँ समझ पाओगे?
सुन दो लो हाँ हम जलब जालिन से जमत से। अच्छा ये बताओ ये आए तो हमने जो पढ़ी है ये जो है पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो। तुम जिसको लेकर के आए हो, तुम जिसको लेकर के आए हो उससे ये पूछो क्या हमने ये आयत गलत पढ़ी है या तर्जुमा गलत पढ़ा है तो यह। और दूसरी बात, और दूसरी बात आप ये बताएं कि क्या इससे क्या इजमा साबित नहीं हो रहा है? नहीं इजमा की तारीफ क्या करे जिस मसले पे जो है कुरान हदीस में जो मसला ना मिले, कुरान हदीस में जो मसला ना मिले और वो उस मसले बाद में वो मसला आ जाए और उस पर सारे मोमिनों का उस पर इजमा हो जाए तो वो इजमा होता है। मोमिन कौन होता है? अबे यार कहते हो क्या मोमिन कौन होता है यार जो ईमान के हालत में इस दुनिया से रुखसत हो जाए? अरे सुन लो आप हालेलुया तो मोमिन मानते हो? ये कहाँ मौजू ले जा रहे हो, पूछ क्या रहे हो, जा कहाँ रहे हो? बोल रहा हूँ आप तो बता। नहीं ये कहाँ ले जा रहे हो मौजू, यही मौजू है ये पूछा तुमने? इसमें तुम इसका इनकार तो करो पहले, तुम कहते हो कि ये इजमा नहीं है, फिर हम और कुछ बताएं आगे। सुन लो पापा हाँ 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 बोलो। वो तफसील में चला मुझे वो तफसील में ये हवाला भेजो। अच्छा ठीक है रुको हाँ भेजो उसमें मैं दे दो इजमा। हाँ तफसील अफात में इजमा दान लेता हुआ है। अबे हम पढ़ के बता रहे तुम्हें क्या सुनाई नहीं दे रहा है? अरे भाई अल्लाह के नबी ने फरमाया थी जब दो पाचित उधर दो दफा लाए तो उसकी तफसील कर लो। अच्छा हाँ एक मिनट अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि जब तब तुम तुम्हारे अंदर दो पाची तफा लाए तो उसकी तफसील कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदीस है ये हाँ हमने वही कहा, तुम नहीं बोल पा रहे, तुम नहीं बोल पा रहे हो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे बोला, तुम नहीं बोल पा रहे हो सही। हाँ तुम नहीं बोल पा रहे हो तो ये बताओ, ये बताओ तो क्या तुम इजमा का जो हम आयत पढ़ रहे हैं अब वो तुम कह रहे हो कि जो है अल्लाह नबी ने बताया वो जो है फास से कोई खबर लाए वो हदीस कहाँ है? ओ भी हम आपका हदीस भेज देंगे अभी हम ये भेज रहे तुरंत हमें तुम वो हदीस भेजो। तुरंत तो नहीं मिलेगी तुमने क्यों? मुझे एक हफ्ते से बाद भेजा है तो मैं तुम तो दो दिन बाद भेज दूंगा। कब दो दिन कब होंगे यानी कि शनिचर को भेजोगे? तुम्हारी तरह एक हफ्ता वाले हम एक हफ्ता नहीं है तुमसे हमने कहा था सोम मेरा ब्लैंक लिस्ट से नंबर हटाओ हटाया। अरे भाई तुम हवाला भेजो यार। हाँ तो ये बताओ कि जो है तुम शनिचर को भेजोगे? हाँ भेज देंगे। चलो ठीक है चलो ठीक है हाँ भेज रहे जो बंदे से तो जैसे आपने बोला है। अच्छा अच्छा और तुम इसका इजमा का इनकार कर दो कुरान से? अरे बनाओ पहले तुम मैं हवाला तो दे दूँ लल्ला। हवाला तो हम भेज ही रहे हैं तुम कहे इतना जो है परेशान हो रहे हो हम सब भेज रहे हैं हवाला निकाल ले निकाल ले थोड़ा सबर काटो। अच्छा एक चीज और है तुम्हारा फोटो मेरे पास है वो क्या तुम्हारा ही फोटो है बताओगे खाली भेजे तुम्हें तुम्हारा फोटो? हाँ भेज दो मेरी फोटो है। हाँ बता देना सच्ची बताना क्या ये तुम्हारा ही फोटो है क्या हमने यूट्यूब पे निकाला है क्या? हेलो हाँ आज तक मैंने अपनी फोटो निकाली नहीं है दादा आपके पास में आए फोटो तो भेज दो यार। हाँ देखो तुम्हारी फोटो भी भेजी साथ में देखो। हाँ भेज दो। हाँ सेंड हो रही है। हाँ तुम ये बताओ तुम इस आयत का इनकार कर रहे हो क्या ये आयत से इजमा साबित नहीं हो रहा है? इनकार नहीं कर रहा हूँ मैं। हाँ मैं इसमें इजमा लफ्ज ही नहीं है इस आयत में। यार लफ्ज जरूरी थोड़ी नहीं होता कि लफ्ज वो हो पूरा का पूरा लफ्ज इजमा का लफ्ज हो। मुफस्सिल ने भी तफसील इजाज़त से मुराद इजमा है। नहीं तो ये बताओ तुम क्या चाहते हो कि जो है जो बात हो जो लफ्ज हम बोले वो लफ्ज कुरान में निकला है वही मानोगे? ऐसा तो तुम्हारे ना जाने कितने बड़े बड़े उलमा कराम चले जाएंगे काम से। सुन दो लो हाँ तफसील में तो आना चाहिए ना। अच्छा देखो मेरे में तुमने कॉल करी है नेट मेरा बंद हो गया है अब जब कॉल कटेगी तभी सेंड होएगा। ये बात नहीं था तरीका है अल्लाह पाक की कसम खा के कह रहे नेट बंद हो गया। हाँ तुम्हारे यहाँ अल्लाह पाक की तरफ और जैसे जो है मेरी कॉल कटेगी वैसे ही तुम्हारे पास वो पहुँचेगा हवाला। तुम हवाला नहीं जोड़े मतलब हवाला पहुँचेगा एक मिनट रुको काटो कॉल फिर उसके बाद तुरंत मिलाओ। नहीं नहीं काटो कॉल उसके बाद तुम्हारे पास हवाला मिलेगा फिर तुम्हें पहुँचा देंगे। हाँ कॉल काटो अभी तुम्हारे पास पहुंच रहा है। हेलो हाँ वो जालन
नशे चापित है, नशे चापित नहीं है वो, नस नहीं है, नहीं नशे यानी तब लपचे इजमा होता है इसमें, सुनो हेलो। हाँ हाँ बोलो। ऐसे थी शराब नशे ततई से चापित है, दूसरी शराब तो दुल्हन ने आराम दिया है। हाँ अच्छा ये होता है। हाँ नशे की हाल में। हाँ तो कौन हेलो। हाँ हेलो बोलो बोलो। तो इसमें इजाला धन दिया है, नशे दही से ये साबित नहीं है, ये इजाला धन से साबित है, ये शारतन साबित नहीं है, कुरान के तो नस नहीं है, नहीं तो अले तुरान ने तो नहीं है। सुन दो लो इसमें ये दा है, सुन दो लो इसमें मोमिनों की तरफ हो जाओ तो क्या ये इजमा जो होता है वो क्या मोमिन की तरफ नहीं होता है क्या? अरे भाई सुन दो लो, अरे मोमिन इजमा तो नहीं चलता है। हाँ फिर कौन करता है इजमा, गैर मोमिन करता है क्या? एक मिनट, अरे मोमिन तुम इजमा चल सकते हो, इजमा का मतलब क्या होता है, जिसपे जिस मसले पे सारी उम्मत मुत्तफिक हो जाए उसे इजमा बोलते हैं। अब हम तो, हमारी बातों पे क्या सारी उम्मत मुत्तफिक हो जाएगी, हमारे पर इजमा हो जाएगा? नहीं नहीं असल में ये तो जैसे मैंने तुम लोग पहले ही भी बोला था। हाँ कि पूरे पूरे उपाध्याय में अल्लाह तबारा दुआ याद फरमाता है, अल्लाह तबारा याद फरमाता है। हम पूरे पाते में दुआ डालते थे अल्लाह में उन रास्ते पर चला जिस कौन से आए थे, कौन से आए थे आपको नहीं मालूम है? नहीं नहीं आप बताएं, आपको जिस तरह आप, नहीं जिस तरह आप हमसे मुतालबा करते हैं हर एक चीज का, क्या आप हमें बताओ? मैं हाफिज नहीं हूँ। हाँ तो आप पढ़ के बताएं अभी, क्या पढ़ रहे थे? अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि नमाज में क्या ऐसा सूरह फातिहा नहीं पढ़ते जो आपको शर्म आ रही? सूरह फातिहा अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा जो हर नमाज में हर रकात में पढ़ी जाती अच्छा, है तो हाँ तुम वो पढ़ना ही नहीं आता तुम्हें? मैंने तलत फिर से पढ़ो। हाँ क्या पढ़ा फिर से पढ़ो। चलो अब तुम जाई पढ़ो, चलो क्या पढ़ो फिर से पढ़ो। अब नहीं नहीं अब तुम जाई पढ़ो, एक बार और पढ़ो। नहीं नहीं एक बार और पढ़ोगे? एक बार दो बार कदम किस बात की, जितने मरतबा कुरान पढ़ोगे उतने मरतबा सब। हदीस में तो ये आया, सुनो हदीस में ये आया, जो शख्स कुरान को अटक अटक के पढ़ता है उसको दो अजर मिलते हैं। तुम अटक अटक के पढ़ो तुम्हें दो अजर मिले, तुम्हें शर्म किस बात की? हदीस में ये आया थी दुबलान जब बोले तो तब दुबलान जब बोले वो आयत पर। यार भाई तुम कुरान को पढ़ो, तुम्हें कुरान पढ़ने में शर्म क्यों आती? तुम लोग कुरान में भागते क्यों? तुम दोनों नहीं आती है दुबलान, तुम्हें आती है? मेरा दावा है तुम्हें आती है, बंदी हो तो दुबलान नहीं आता। तुम्हें कुरान आती है पढ़ना? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हाफिज हम दो आती है। हाँ तो सुनाओ कौन सी आयत पढ़ो, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? जो कुरान के शौकीन होते हैं, जो कुरान के शौकीन होते हैं वो कुरान को खूब पढ़ते हैं, एक बार नहीं दस मरतबा पढ़ते हैं। कुरान के शौकीन नहीं है, तुमसे हम तुमसे मुतालबा कर रहे हैं, तुम कुरान को पढ़ो। हाँ तो दलील दे रहे हो ना, तो दलील से कुरान पढ़ दो। हमने देखो हमने तुमको इजमा की दलील दी, हमने तुमको इजमा की दलील कुरान को पढ़ा, तुमने हमसे मुतालबा किया था कि कुरान को पढ़ो। नहीं नहीं तुमने हमसे मुतालबा क्या फिर नहीं नहीं मेरे बीच हम बोल रहे सुन ही नहीं पाए थे ना, हम बोल रहे थे अब पढ़ो तुमने सही सही पढ़ा। हाँ तो फिर निकल लो फोन काट के, निकल लो, चलो निकल लो। बहुत वैसे भी मस्जिद से नमाज है, मस्जिद से नमाज के पास पचाले अमाल तो चलाना है मस्जिद के पास, चलो निकल लो। हाँ पता फटाफट रजवी जला देना जाके, निकल लो बहुत। कुरान को नहीं पढ़ते तुम लोग मर्दू, तुम लोग को मर्दू को कुरान पढ़ने में इतनी शर्म आती है? तुम लोग कुरान नहीं पढ़ते, कुरान को पढ़ो। इया का ना बदो, इया का ना बदो, इया का ना बदो, तुम लोग कुरान पढ़ना नहीं आता? बदतमीज कहीं के खबीस रख फोन।